जय जोहार, स्वागत है आपन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। खबर छत्तीसगढ़ में आगू बढ़बो और बात करबो कोरिया जिला के। भरतपुर विकास खंड में स्थित जीवनदायिनी और पूरा इलाका के पहचान देवैया बनास नदी में बने रमदहा जलप्रपात के खूबसूरती ये दिन देखा ही बना थे। यहाँ लगातार सैकड़ों के संख्या में सैलानी पहुंचा थे। बारिश के सीजन में जब नदी अपन पूरा शबाब में होते, ओ बेरा ए जलप्रपात ले गिरे वाला सफेद जलधारा अमृत के बूंद सरीखा नजर आते। यही वजह ले ए जलप्रपात के नाम रमधारा है। ए जलप्रपात ला देखे बर दिनों दिन दूर दूर ले यहाँ पर्यटक मनाते। यहाँ करीब 100 फीट के ऊपर ऊंचाई ले गिरत जलधारा प्रपात कोरिया जिला के प्रमुख पर्यटन स्थल बनत जावत है। हेलो, मैं शिवम गुप्ता, मैं शहडोल से हूँ। यहाँ ये रमदहा पाला काफ़ी अच्छी जगह है, शहडोल से 120 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ जो है सुविधा तो थोड़ा अभाव है, कुछ खाने पीने का आसपास कुछ है नहीं, खुद लेके आना पड़ता है। और थोड़ा बारिश के मौसम में थोड़ा तो रास्ते में संकीर्णता है, फोर व्हीलर नहीं आ पाती। और बाकी जगह काफ़ी अच्छी है, रास्ता इंजॉय करेंगे आप लोग आएंगे तो काफ़ी अच्छी जगह देख सकते हैं। इस जगह के बारे में काफ़ी समय से सुना था, इस बार मैं आया और लोगों ने कहा कि बरसात में आइए, काफ़ी अच्छा व्यू होगा। बाकी तो व्यू आके मन शांत हो गया, एकदम तृप्त हो गया। बस थोड़ी सी विनती है कि रास्ता यहाँ आने का दुरुस्त हो जाए तो फिर आगे पर्यटन स्थल तो ये हो ही गया है। बाकी अच्छा लगा आगे। रमदहा जल प्रपात कोरिया जिला के विकास खंड भरतपुर ले लगभग 30 किलोमीटर दूर हरा भरा जंगल ले घिरे प्रकृति के गोद में बसे है। जुलाई महीना ले जब बारिश के शुरुआत होते तब इही बीच वातावरण में हरियाली के समेटे रमदहा जलप्रपात तेज आवाज और गिरत झरना के बूंद जब ऊपर आसमान में उड़ते तब धुआं धुआं जैसे लगते, मानो ऐसे लगते कि पूरा आसमान भुइयां ऊपर उतर आए है। यह सैलानी प्रकृति वातावरण के आनंद ले सकते है। नदी का बहाव यहाँ पर काफ़ी तेज रहता है, इसलिए सुरक्षा के कुछ प्रयास जिसमें यहाँ पर नदी किनारे थोड़ा सा रेलिंग एकाद शेड बनाने की ज़रूरत है, जिससे बरसात होने पर भी लोग यहाँ पर सुरक्षित रहें, पानी के तेज बहाव में ना जाएं, रेलिंग के सहारे वो सुरक्षित रहें। आने जाने के लिए थोड़ा सा कच्चा मार्ग है, आवागमन काफ़ी मुश्किल होता है, बड़े वाहन आने में थोड़ा समस्या होती है, उसकी तरफ भी थोड़ा सा प्रयास किया जाना ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शासन अगर सहयोग करे तो निश्चित ये बहुत अच्छी जगह है और आप लोगों को यहाँ आना चाहिए और यहाँ का आनंद उठाना चाहिए। इन कमियों को हम जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ इसका प्रपोजल भी राज्य शासन को भेज दिया गया है माननीय विधायक जी के थ्रू। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं सीतामढ़ी हरचौका में लगातार अभी 5 से 7 करोड़ रुपये की स्वीकृति हो चुकी है और उसी प्रकार हम रमदहा वाटरफॉल को प्राकृतिक सौंदर्य बनाने के लिए तेजी से विकास ये चाह रहे हैं और इस विकास में कुछ पैसे की ज़रूरत है और राज्य शासन को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। रमदहा वाटरफॉल में खूबसूरत झरना देखे बर पहुंचे लोगन जान जोखिम में डार के सेल्फी लेवत भी नजर आई। ये दिन लगातार बारिश होए के चलत नदी नाला उफान में आ गए है, ऐसन में बनारस नदी के ये झरना देखे बर सैकड़ों सैलानी जमा होते। इखर बाद भी युवक और युवती तेज गिरत झरना के डेंजर जोन में सेल्फी ले बर होड़ लगत दिखते। तेज गिरत झरना बारिश में सेल्फी पॉइंट बन जाते। ए नदी के तेज बहत झरना बर आस पास कोनो मेर संकेतक बोर्ड नहीं लगे है जेखर ले लोग सतर्क हो सके। यहाँ के डेंजर पॉइंट में कोनो सिक्योरिटी भी नहीं है, एकर पहले यह हादसा हो चुके है, एकर बाद भी सावधानी नहीं देखे बरविल थे। कोरिया ले हमारे डिजिटल रिपोर्टर नारायण दत्त तिवारी की रिपोर्ट।